जय श्री राम दोस्तों। तो आज एक और स्कॉर्पियन आप लोगों के लिए लेके आए भाई, मिलते हैं। हेलो सर, कौशिक व्लॉग्स। सर स्कॉर्पियन चला रहे काफ़ी टाइम से और सफारी सर ने पहले चलाई है, तो एक ओनरशिप रिव्यू लेने आए हैं भाई। कैसी चल रही है सफारी से कंपेयर करेंगे, और अप्रोक्स एक साल हो गया गाड़ी चल चुकी है 25,000 किलोमीटर के आसपास। तो सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। आपने पहले तो यही करते कि आपने सफारी चलाई, अब स्कॉर्पियन चला रहे हो, तो कौन सी बेटर है इसको, आप सफारी या स्कॉर्पियन? देखो मेरा ये मानना है कि ईज टू ड्राइव, क्योंकि मेरे पास मैनुअल थी वो। हाँ जी, तो अगर मैनुअल सफारी वर्सेस स्कॉर्पियन ऑटोमेटिक करूँगा तो स्कॉर्पियन काफी अच्छी है। अगर हम ऑटोमेटिक में उसको देखते हैं तो उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, 24-25 लाख से कम की नहीं, ये आपको 19-20 लाख रुपए की ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, इसलिए मैंने लिए। हाँ जी, वो महंगी बहुत पड़ती है। अभी जो नई सफारी आ रही है ना सर, 32 लाख रुपए की आ रही है, और इसका टॉप एंड लेन निकलोगे तो 29 लाख में आपको ZL 4x4 ऑटोमेटिक डीजल सब कुछ मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप कौन सी चूज करोगे, सफारी या फिर अपनी स्कॉर्पियन? देखो वैसे तो मैं बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सफारी का और स्कॉर्पियो एन का कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। अच्छा। सफारी का कंपटीशन XUV700 से है। हाँ जी, क्योंकि इंटीरियर बात करते हो, फीचर बात करते हो, ये गाड़ी फीचर में थोड़ी सी कमी है, कहीं से लग्जरी नहीं है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ, मैं सफारी प्रेफर करूंगा और दोज कार्स, लेकिन अगर स्कॉर्पियो एन साथ में खड़ी हो तो मैं स्कॉर्पियो एन की तरफ भी जा सकता हूँ। अब सफारी में जैसे XUV700 में से और सफारी में से कौन सी लेना पसंद करोगे? MG Hector Plus मेरे सामने खड़ी हो, अल्कज़ार खड़ी हो, XUV700 खड़ी हो और सफारी खड़ी हो, तो मेरी प्रेफरेंस आज भी सफारी है। और रेट वाइज देखें, क्योंकि रेट वाइज रेट ज्यादा बराबर ही है, नहीं 32 लाख की जा रही है, वो 29-30 लाख में आ जाएगी। तो लिस्ट में डाली नहीं है, लिस्ट में ही नहीं है। अच्छा, आप लिस्ट में नहीं कर रहे। इसका कंपटीशन स्कॉर्पियो पुराने वाली से है और एंडेवर फॉर्च्यूनर से कर लो। हां जी, एंडेवर फॉर्च्यूनर से है, क्योंकि वो रफ एंड टफ गाड़ी है, वो एग्जीक्यूटिव सिटी में चलाने वाली गाड़ी है। इस गाड़ी को मैं हाईवे पे, पहाड़ों पे और रफ से रफ टेरेन पे लेके जा सकता हूँ, मेरे दिमाग में परेशानी नहीं आती है। आपने जैसे वो चलाई, वो फ्रंट व्हील ड्राइव थी, ये रियर व्हील ड्राइव है, फर्क लगता है कुछ? हाँ लगता है। क्या रियर व्हील ड्राइव में भैया जाने नहीं होती मेरी, ये गाड़ी कहीं भी फंस जाती। लोग कहते थे रियर व्हील ड्राइव ये है वो है फलाना ढिमकाना, सफारी में ज्यादा जान थी, वो ज्यादा इजी टू ड्राइव थी गाड़ी मेरी। नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मान लो हम कहीं इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनक्लाइन पे चढ़ रहे हैं, हाँ। और जो पीछे वाले टायर में अगर पावर रहेगी तो पीछे से दबी रहेगी, हाँ। तो ज्यादा आसानी चढ़ पाएगी, कंपैरेटिवली आगे वाले में रहेंगे तो स्पिन करेंगे आगे वाले टायर, हो सकता है। लेकिन सफारी ही प्रेफर करूंगा, सफारी में ज्यादा पावर लगी थी मेरे को, ये गाड़ी फंस जाती है मेरे से कहीं भी यार। टू बी फ्रैंक, आपने एक बार रेगिस्तान में भी उतारी थी, वहां पर कहीं डर सा बैठा मेरे मन में कि अगर मैं गाड़ी को थोड़ी सी मिट्टी में अगर स्पीड से निकालूंगा तो निकल जाएगी, लेकिन ज्यादा स्लो कर लूंगा ना तो बिल तो भैया इसके स्किड करेंगे। तो मेरे मन में है, पता नहीं आप ड्राइवर, मैं जैसा ड्राइवर हूँ फैमिली वाला, तो प्रॉब्लम है इसमें। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई रियर व्हील ड्राइव है तो ज्यादा वो रहती है, मैं भी सोचता था वो चीज फील नहीं हुई है। मैं भी सोचता था कि आपने फ्रंट व्हील भी चलाई है, रियर व्हील भी आपने चला रहे हो, फ्रंट व्हील में लगता है जैसे कि साथ साथ ही आपके जहाँ स्टीयरिंग है उसके नीचे पावर है, खींच दो ये साड़ी पीछे से खींच के, जान तो लग रही है पीछे, पर मुझे वो बेटर लगती थी। जैसे आपकी गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपकी पहले आ रही थी कि भाई ट्रिप की ट्रिप जीरो हो रही थी, अरे अभी भी है अभी? अच्छा, वो अभी सॉल्यूशन नहीं निकला उसका। महिंद्रा की गाड़ी में जब तक प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक ये बल्ले बल्ले है, रेटिंग ये दो भाई साहब ये बड़ा, लेकिन जैसे प्रॉब्लम आती है गाड़ी खराब। तो इसलिए मैं कहता हूँ महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आपको सेंसर जिसमें ज्यादा सेंसर्ड हो नहीं लेनी है, सेंसर बेस्ड गाड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स में होता है खराब होने के बाद इनसे ठीक नहीं होता। अब जैसे एक मेरे ट्रिप का तो आपका बोल रहे थे सर सॉल्यूशन हो गया है उसका, वो तो मैंने घंटों लगा दिया यार, नहीं हुआ अभी भी जीरो हो जाती है। ट्रिप तो इसकी जीरो होती है, फिर वो मान लो 25,000 चली है, वो मेन वाली ट्रिप जीरो होती है या नहीं? वो मेन ही सही रहती है, ओडोमीटर ठीक रहता है, ट्रिप जीरो होती है। अगर वो भी जीरो होती तो फिर तो बात की जाती, ये तो चल ही नहीं है। आपने गाड़ी अभी कितनी चला दी सर? 25,000 गाड़ी पे चल चुकी है। और इसकी सर्विस कितने पे होती है? ये गाड़ी सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, सफारी सर्विस होती थी 15,000 चलने के बाद। और सफारी की सर्विस 15,000 पे कितने रुपए की हुई थी आपकी? वो हुई थी मेरी 11-12,000 रुपए की। 11-12,000 की पेड थी ना सर्विस, फ्री नहीं थी। नहीं पेड क्यों थी, वो तो पहले तीन सर्विस तो फ्री रहती है। पहली तीन सर्विस थी ना, तो वो चौथी सर्विस थी ना। चौथी कैसे, पहली 1,000 रुपए हुई? नहीं,
दो पहली 2000 रुपए, फिर 5000 रुपए, फिर 10000 रुपए। हाँ जी। अच्छा वो उन्होंने फ्री वाली फ्री वाली चेकअप में निकाल 1000, 5000 और 10000। एक चीज पता है कि उसके अंदर में कितना लीटर इंजन ऑयल आता था? आई थिंक ज्यादा 5 लीटर आता था। कितने रुपए का था वो? लेकिन वो 15 रुपए होती थी ये। पर वो चीज मैंने अब इनकी वो नोट करी ना, वो खेल गए, खेल जाते हैं। इनकी 20000 रुपए की मेरी फ्री सर्विस हुई है। हाँ हाँ, और मैंने एयर फिल्टर चेंज कराया तो 5700 रुपए मैंने दिए। एयर फिल्टर जैसे पहली सर्विस होती 10000 रुपए, उसमें क्या क्या चेंज कराते हैं? 10000 रुपए? हाँ जी। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डीएफ डलता है, टॉप अप होता है। 10000 रुपए तो नहीं सर, इंजन ऑयल भी चेंज होता है। हाँ, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर वो तो जो है चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, और रिंग विंग चेंज होता है। रिंग चेंज, बाकी उन्होंने सब पे हवा मार दी थी मेरे एसी फिल्टर पे। आप सर ये बताओ, आपने अभी तक इस गाड़ी की कोई पेड सर्विस कराई है? नहीं, अब कराऊंगा। अच्छा, आप अभी तक नहीं पेड़। आपने लेबर कॉस्ट पूछी है कितनी लगती है इसमें? 3 से 3500 रुपए। 10000 की हो जाएगी भाई? 3-3.5 तो पक्के ही है। 3-3.5 तो डीएफ डलेगा। हाँ, डीएफ डलेगा। और वो जीएसटी लेते हैं। एक चीज और बताओ सर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि डीईएफ का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया डीजल में, तो इसमें कितने रुपए का डीईएफ डलता है? बहुत कम है, मतलब लगा लो अगर पूरा हमें टॉप अप होता है। बेसिकली टॉप अप होता है। अभी जैसे मेरी गाड़ी चल चुकी है सर्विस के बाद 5000 किलोमीटर। हाँ जी, मेरा 87% बचा हुआ है। हाँ, तो वो 15000 पे जाके डीएफ खत्म होता है 10 लीटर का। अब टॉप अप होता है हमेशा। टॉप अप होता है, पाल्टी भी कम की 700-800 रुपए में आई थिंक टॉप अप हुआ था, इतना बड़ा इशू। तो उसका कोई खर्चा नहीं है इसमें? खास बात ये बताते बार बार क्या, इसमें जो डीएफ है ना, उसका भैया पंप लगा रखा है, यहाँ इधर बाहर ही बाहर दे रखा है। और सफारी में एक बछूड़ी क्या थी, साला पूरी डिक्की खाली करनी पड़ती थी, पसीने आते थे मेरे को, और तब जाके वो वहां लगाते थे भाई। बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को, सामान सारा निकालो। इन्होंने क्या किया है, अच्छी जगह जहाँ पे पेट्रोल डीजल डलता है उसके बगल में ही आपका डीएफ का भी उन्होंने ढक्कन दे रखा है, खोलो डालो। एक और चीज है सर, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अपनी गाड़ी को आराम से चलाता हूँ हमेशा 80-90-70 इतने की स्पीड पे, है ना, तो BS6 में ऐसे बोलते हैं अगर उनका इंजन ना रमाए ढंग से, मतलब अच्छी RPM 2000 से ऊपर ना चलाए, तो उनके अंदर में दिक्कत आती है। BS6 में बात कर रहा हूँ मैं, पावर नहीं उठाती बाद में, ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो ऐसी कुछ चीज हुई है आपके साथ में अभी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि है कि मैं चलाता 80-90 पे हूँ, लेकिन 20-20 में गाड़ी को मैं 120-130 पे कर देता हूँ ट्रिप के बीच में। हाँ जी, ऐसा नहीं कि मैंने चला, लेकिन वो तो सिर्फ 2-5-15 सेकंड के लिए होता है। वापस से मैं गाड़ी को 80-90 मैक्स टू मैक्स, शायद मैंने 100 भी स्पीड पे नहीं करता, 80-90 पे ही रहता हूँ। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। पावर में कोई कमी लग रही है गाड़ी में ऐसे कुछ होने से? पावर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे तो राजा है। आप एक बार सजेस्ट करोगे इस चीज को कि हाँ हमें एक बार 2000 RPM से भी ऊपर में चलानी चाहिए ट्रिप में, जैसे आप कहीं लॉन्ग ट्रिप मार रहे हो तो? बिल्कुल चलानी चाहिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर 2000 चला दो, 2000 से ऊपर। वैसे तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, सब अपने आप ही करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कभी कभी स्पीड 120-130 कर लेनी चाहिए। जैसे मैं अभी ट्रिप पे गया था अयोध्या, तो मैंने स्पीड 120 भी की थी, लेकिन क्या जगह जगह पे लगा होता साइन बोर्ड। हाँ जी, वो साइन बोर्ड जाके यार मैं इसलिए गाड़ी तेज चलाता नहीं, कंट्रोल भी थोड़ा आउट हो जाता है। और आपने इसकी टॉप स्पीड अभी तक कितनी भगाई है? 160। अनस्टेबल है, स्टेबल है? अरे बिल्कुल अनस्टेबल है भाई। मैं तो भगाई हो गए, अरे बिल्कुल स्टेबल है गाड़ी। मैं तो भाई फिर वापस ले आया था मैं, और सफारी 160 पे सही थी। ये हाई स्पीड वाले लवर के लिए गाड़ी नहीं है, जो स्पीड ज्यादा तेज रखते हैं तो ये गाड़ी ना खरीदे। हाँ जी, झूलती है गाड़ी। एक और चीज बताओ सर, जैसे अभी ये टायर है इसमें अभी बचा हुआ है काफी, मतलब काफी ग्रुप्स हैं इसके अंदर में, मैंने कई वीडियो देख ली और मेरे पड़ोस में भी गाड़ियां हैं, तो वो उनके क्या है 45000 रुपए उन्होंने टायर चेंज करा दिए, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी 45000 हो जाएगी तो इसके टायर घस जाएंगे, आपको चेंज कराने पड़ेंगे? 45 नहीं तो 50 और 55 के बीच में मुझे टायर बदलवाने हैं। तो इसके टायर ऐसे मानो कि ज्यादा खाती है गाड़ी है? अब अगर आप 50-55 को तो आई थिंक ठीक है, ज्यादा खा भी नहीं रही और ठीक है, इतना तो खाने भी चाहिए। वैसे अगर नॉर्मल मैं देखूं, मैंने अपने ब्रेजा के 85000 रुपए कराए थे चेंज। अच्छा जी। हाँ जी, फिर पता हमारे पे एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मैं सोचता हूँ 50-60 पे तो मैंने चेंज कराए हैं पुरानी गाड़ियों के। हाँ जी, इको स्पोर्ट के भी मैं 50 से 60 पे चेंज कराता हूँ। हाँ, वो करा लेने चाहिए क्या? हम जो सिलेरियो है, सिलेरियो हमारी 65 चल गई, वही चल रहे हैं टायर, अभी भी बची हुई है, मतलब टायर वाले से भी दिखाई है हमने। ये हो सकता है कि गाड़ी हैवी है, हैवी है तो वजन आता है 2000 किलो का टायरों के ऊपर, वो गाड़ी हल्की है, मेरा मानना है वो गाड़ी हल्की होती है तो टायर अपने आप ही हील हो जाती है, तो इसके अंदर में तो मेरे को ऐसी कोई चीज नहीं लग रही कि वो स्क्रैचेस हील हो रही है। सेल्फ हीलिंग का तो बहुत बड़ा हुआ है भैया, ध्यान रखना, स्कैम है ये।
ये सेल्फी नहीं होती, हम सोचते हैं कि खरोच लगी है धूप पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं भरती, ये पड़ी रहती है, थोड़ी सी मेरी डल हो गई है, यू आर राइट। तो और एक साल हुआ है इस गाड़ी को, है ना, एक साल पीपीओ को सात आठ महीने हुए। अच्छा, पीपीओ को 7-8 महीने हुए, फिर भी मतलब यूं है स्क्रैचेस लग जा नहीं रहे हैं। ये स्क्रैचेस तो इस पे हैं, ये बंदरों ने मारे में, नहीं वैसे भी थोड़ी सी डल सी हो गई है, बाहर साफ होती है सर, ये भी रीजन हो सकता है, पर धूप में रहती है क्या रहती है। लेकिन अब एक चीज और सर, जैसे ये आपने इसमें ये कैमरे लटक रहे हैं, ये आगे लग रहा है आगे दोनों के उस पे, ये वर्किंग है ना? कोई वर्किंग नहीं, फिर आगे ये नहीं लगाए थे कि, लेकिन वो क्या है कोई वायर नहीं बनी, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया इसमें, तो जब कभी ना कभी कराऊंगा जरूर, पर अभी 360 डिग्री कैमरा इसमें वर्किंग नहीं है। आपने सर इसके अंदर में जो एक्सेसरीज लगा रखे हैं, इससे एक वारंटी बोर्ड का चक्कर है कि नहीं? कुछ नहीं होती। और याद रखना, आपने बड़ा बढ़िया वर्ड यूज किया है, एसेसरीज। हमने गाड़ी में एसेसरी लगवाई है, हमने गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं किया। मॉडिफिकेशन तो जब तक आप एसेसरीज लगवाते हो, आपकी वारंटी नल एंड वाइड नहीं होती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम महिंद्रा वालों ने नहीं किया है, इस बात की मैं तारीफ करता हूँ महिंद्रा वालों की। अब सर आपने 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, तो ये आपको गाड़ी माइलेज कितने की दे रही है? देखो भी शुरू में माइलेज ने कम दी थी मेरे को, लेकिन अभी क्या है कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ जिप मोड पे। जिप मोड पे जब से मैंने गाड़ी में सिटिंग चलाना शुरू किया, तो मुझे ये 11 से 13 के बीच में मुझे माइलेज दे रही है जिप मोड पे। जिप मोड पे मुझे ये सिटी में 10 देती थी। अच्छा। तो जिप मोड पे करते इसकी माइलेज बढ़ गई है। हाईवे भी मैंने चलाया, क्रूज और जिप पे ही चलाया, तो मुझे इसने 17 से 18 की माइलेज दिया भी अयोध्या। 17 से 18 की बिल्कुल दिए विदाउट एसी। ये इतनी भारी भरकम गाड़ी ने 17 से 18 की, फिर तो मेरे को देखो कोई बुराई नहीं लग रही इस गाड़ी के अंदर में। माइलेज अगर अच्छी दे रही है तो। अभी मैं खाटू शाम गया था, तो आते हुए मुझे शाहपुरा से बहुत ट्रैफिक मिला था, तो भी उस हाईवे पे इसने मुझे 16 प्लस की माइलेज दी थी, विदाउट एसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, विदाउट एसी अभी चला रहे थे, हमारी 13 की दे रही है, बट अब सर्विस तो हो सकता है सर्विस के बाद। आपको पहले ये कितनी की दे रही थी, मतलब फर्स्ट सर्विस नहीं हुई? अगर आप गाड़ी को 90 से ऊपर चलाओगे तो कम हो जाएगी, तो कम देगी देगी, ध्यान रखना आप। 100 से ऊपर इस गाड़ी को लेकर टपते हो तो ये माइलेज कम देती है मेरी, जैसे 80-90 से ऊपर जाता है। जैसे 90 इसका गियर जो चेंज होता है वो 89 के अप्रॉक्स होता है, 6th में 89 पे लगती है। आप 6th में करके चलाते हो या फिर 5th छठे पे ही आ जाती है? वो छठे में ही चलाते हो। आरपीएम देखना हमेशा, जैसे आरपीएम नीचे आती है वो आपको क्रूज लगा देना है। 2000 पे नीचे वो 1500 पे आती है, क्रूज लगा दिया, 1500 चले जा रही है गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर, तो माइलेज ज्यादा आती है। मैं माइलेज का ध्यान रखने वाला आदमी में से हूँ। माइलेज तो हम भी देखते हैं, तभी तो हम नोट। नहीं, कई लोग बोल देते हैं इतनी महंगी गाड़ी ले ली क्या माइलेज देखेगा? नहीं, पैसे तो हमने देने हैं, पैसे तो हमने देने हैं। गाड़ी ले ली, तेल भी तो भरवाना है उसमें फिर। नहीं, 25 लाख की गाड़ी ले ली हमने, तो पैसे तो हमारे चले गए ना, बचे कहाँ हैं? अब वो तेल भी तो देख के लेना, वो तो हर कोई देखता, वो तो यूट्यूब पे इतने पैसे आ नहीं रहे। सही बात है, तो भाई हमें बहुत सोच समझ चलना पड़ता है की, और ये ध्यान रखना यूट्यूब की कमाई से घर नहीं चलते भाई। सही बात है, कभी वो होते हैं ना बहुत, मैं सोचते हैं कि यूट्यूब से बना कुछ नहीं, टाइम खराब, पहले सेकेंडरी कर लो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं है, टाइम खराब है सर। और सर ये इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी इसमें मैं स्क्रैचेस देख रहा हूँ, ये कैसे? ये तो क्या भाई, बहुत अच्छी बात थी, मैंने ये लगवा रखा था। मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके चला था, नई नई गाड़ी थी और मुझे आइडिया नहीं था भाई, मैं सेक्टर कहते मैंने गाड़ी यूं मोड़ दी, फुटपाथ था भाई, फुटपाथ पे लगी, जैसे गाड़ी मेरी लगी मैं 2 मिनट तक गाड़ी में बैठा था। मैंने कही भगवान ने काली गाड़ी लग गई, वाइट लगती थी मेरी। लेकिन जब उतर के आया और मैंने देखा अनुभव जी, जान में जान आई मेरी, नहीं तो ये पूरा नीचे ही चला जाता, वो फिर उधर लगती अंदर की तरफ। मैं 2 मिनट बाद उतरा गाड़ी से, फिर मुझे लगा इसकी क्या वैल्यू, क्योंकि फुटपाथ पे ये लग गई थी गाड़ी, तो ये स्क्रैच तभी का है मेरे। और एक ही पीछे भी लग रखी है इसके अंदर में, ये बम्पर यहाँ से क्रैक है और ये वाली चीज। ये तो मैं यार इसमें कैमरा नहीं था, जैसे मैं चला गया था गाड़ी बैक कर रहा था, अब इतनी बड़ी गाड़ी थी ना यार, नीचे स्कूटी खड़ी थी वो लग गई, ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी, वो ट्रक ने मार दिया था, तो ये सूखा निकाल लिया, ये जंग लग रखा है। कंपनी ने किया, आपने करवाया? कंपनी ने कुछ नहीं किया, मैंने कराया था, बाहर से कराया था। 300 रुपए मेरा काम हो गया था, वो कहते पूरा पेंट करेंगे जिसको, मैंने से इतना पेंट करा दिया वो। अच्छा, इस पे मैं कलम मरवा लूंगा, ये पेंट मुझे मिल जाता है बना बनाया, मैं खुद ही मार लूंगा। चलो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बताया गाड़ी के बारे में, 25,000 किलोमीटर का ओनरशिप दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।